बहादुरगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों आरोपियों को गौर से देखिए। इन आरोपियों ने अपनी नशे की लत को पूरी करने के लिए पहले तो 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को लूटने की कोशिश की, लेकिन पहचाने जाने के डर से इन्होंने बुजुर्ग महिला को ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये घटना बीती 3 फरवरी की है, जब रोहतक में रहने वाली 70 वर्षीय मूर्ति देवी अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए असौदा गाँव जा रही थी। रेलवे स्टेशन पहुँचने पर महिला को अकेले पाकर इन आरोपियों ने पहले उसे लूटना चाहा, लेकिन पहचाने जाने के डर से आरोपियों ने महिला की गला लेत कर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। दिनांक 3/2/2022 को सौदा रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी डेयरी है, जहां पे एक वृद्ध महिला की कत्ल की गई लाश मिली थी। उनका नाम मूर्ति देवी, करीब 70 वर्ष उनकी आयु थी। रहने वाली वो असौदा सिवान की थी और उनकी शादी मकड़ाला कलां गाँव में हो रही थी। उस दिन करीब 5:30 बजे वह असौदा रेलवे स्टेशन पर आई एक अपने पारिवारिक शादी में भाग लेने के लिए, और उनके ही साथ में कुछ 2 बच्चे थे जो उनके परिवार से संबंध रखते थे। उनको लेने के लिए गोविंद नाम का उनके असौदा गांव से उनका परिवार का एक व्यक्ति आया मोटरसाइकिल पर, जहाँ पर यह बात हुई कि तुम इन 2 बच्चों को साथ में बैठा के गाँव छोड़ाओ, मैं अपना सामान लेकर आधे रास्ते पहुँचती हूँ, तो तुम छोड़ के आ जाओगे, तुम आधा रास्ता तय कर लूँगी और वहाँ से तुम बिठा के मेरे को ले आना। तो ऐसा ही किया और गोविंद ने फिर आईटीआई तक पहुँचा था। आईटीआई उस जगह से करीब 700-800 मीटर आगे है, वहाँ पे अंकित को कहा कि तुम उन दादी को लेकर आ जाओ क्योंकि वह अकेली है और उनका सामान काफ़ी है और रास्ता भी सुनसान है। तो अंकित ने अपनी ऑल्टो गाड़ी लेकर उस रास्ते पर गया और वहाँ पर उसने ढूँढा, ढूंढने पर उनको वह महिला नहीं मिली। तो ढूंढते वह वापस भी आता है और आते समय आईटीआई ग्राउंड के पास में 2 व्यक्ति को देखता है। उन 2 व्यक्तियों का नाम है विकास उर्फ टाउजर, पुत्र धर्मवीर निवासी असौदा टोडराम, और दूसरे व्यक्ति का नाम है सुमित उर्फ कौड़ा, पुत्र करमवीर निवासी असौदा टोडराम। इनसे यह पूछता है कि क्या आपने किसी वृद्ध महिला को आते जाते इस रास्ते पर देखा, तो उन्होंने मना कर दिया और वो आगे बढ़ गए। तो इस चीज़ को मानते हुए अंकित फिर ढूंढने निकला और 1-2 बार तलाशने के बाद उसने हार मानी और अपने असौदा गाँव में वापस लौटा, जहाँ पे ये चेक करने के लौटा कि क्या हो सकता है महिला खुद ही अकेले पहुँच गई हो। तो वहाँ पर भी उसको ना पाते हुए लोगों को आशंका जताई गई और उन्होंने अपने गाँव वालों ने एक टीम का गठन किया 40-50 लोगों का, और इस चीज़ को सर्च करने का प्रयास पूरा किया गया। प्रयास करते वक्त वहीं पुराने डेयरी पर जब एक व्यक्ति ने देखा कि इस प्रकार से महिला की नग्न अवस्था में कत्ल की गई लाश है, तो लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। तो जब पुलिस ने अंकित से पूछताछ की तो उस समय अंकित ने यह इन्हीं 2 व्यक्ति का नाम बताया, और जैसे लास्ट सीन थ्योरी कहती है जो आखिरी व्यक्ति है उस पर संदेह हम जताते हैं। तो इस चीज़ को संदेह में लेते हुए हम उन लोगों के घर पर पहुँचे तो वहाँ पर वो 2 व्यक्ति फरार मिले, वो अपने घर पर नहीं थे। बता दें कि असौदा रेलवे स्टेशन के पास बने एक कोठड़े में बुजुर्ग महिला की लाश बरामद हुई थी। हालांकि घटनास्थल पर छानबीन के दौरान महिला का सारा सामान बरामद हो गया था और यहां तक कि महिला ने जो गहने पहने थे वो भी सुरक्षित थे। ऐसे में इस घटना में रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।